It is indeed a great pleasure and privilege for me to be among you to discuss some of the burning issues of our times. When we look at what the government is doing in terms of the CAA, NPR, NRC, how the people have responded to that. Audience required you to speak in Hindi if possible. हाँ, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं हिंदी में बोलूँ, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से. तो आज जब हम ये देखते हैं कि सरकार, भाजपा और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो देश के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का उदाहरण से ही देखें और उसके रिस्पांस में जनता क्या कर रही है, देश के लोग क्या कर रहे हैं, देश की महिलाएं क्या कर रही हैं, युवक क्या कर रहे हैं, और उसके रिस्पांस में सरकार फिर से क्या कर रही है, उसके रिएक्शन में, तो वो चार्ल्स डिकेंस एक अंग्रेज़ी लेखक थे, उनके कुछ वाक्य याद आते हैं. उनकी एक नॉवल थी, टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें उन्होंने लिखा था कि इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द एज ऑफ रीज़न, इट वॉज़ द एज ऑफ अनरीज़न. अब अगर आप देखें कि सरकार क्या कर रही है और क्या हो रहा है इस देश में सत्ता के द्वारा, सत्ताधारी लोगों के द्वारा और हमारी संस्थाओं के द्वारा, तब हम कह सकते हैं कि वी लिव, कि हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसको हम सचमुच कह सकते हैं कि ऐसा खराब दौर हिंदुस्तान ने, हम लोगों ने कभी नहीं देखा. एक तरफ इस देश की सारी संस्थाओं के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, एक के बाद एक जो संस्थाएं हम लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, हमारे देश के खजाने की रक्षा करने के लिए और इस देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो जो संस्थान बनाए गए थे, सबके ऊपर ऐसा हमला आजकल दिख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ. हम चाहे इलेक्शन कमीशन को देखें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखें, न्यायपालिका को देखें, या अपने देश की यूनिवर्सिटीज़ को देखें, ऐसा हमला पहले कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा. पहली बार ऐसा हुआ कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रफ़ाइल रक्षा सौदा, ये जो हवाई जहाज़ का सौदा, उस पर अपनी रिपोर्ट में जो कितने का, कितने के ये हवाई जहाज़ खरीदे गए, कितने दाम के खरीदे गए, कितने हज़ार करोड़ के खरीदे गए, वो सारे डिटेल अपनी रिपोर्ट से उड़ा दिए. और रिपोर्ट आने के दो महीने पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में को बंद लिफाफे में एक नोट दिया जिसमें ये कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रफ़ाइल सौदे की समीक्षा कर ली है, उनकी रिपोर्ट आ गई है, पार्लियामेंट में पेश हो गई है, सार्वजनिक कर दी गई है, और उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं. अब सरकार को रिपोर्ट आने के दो महीना पहले ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं, जो दो महीने बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सचमुच करता है. और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कम से कम 100 रक्षा सौदों की समीक्षा सीएजी कर चुका है,
पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए और सरकार को दो महीने पहले पता है कि प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे. इसका क्या मतलब है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी एक सरकारी तोता बन गया, जैसे सीबीआई को कहा जाता था. दूसरी तरफ हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर प्रधानमंत्री और अमित शाह की सुविधा के अनुसार इलेक्शन की डेट तय करता है. प्रधानमंत्री को कोई अनाउंसमेंट करना है तो उसके हिसाब से इलेक्शन की डेट तय करी जाएगी और सरकारी लोगों को पहले से पता होता है, पहले से बता देते हैं कि ये डेट होने वाली है. जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का रोज उल्लंघन करते हैं, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक भाषण, मारने पीटने के लिए उकसाना, गोली मारने के लिए उकसाना, उन लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता. ज़्यादा से ज़्यादा करता भी है तो जब काफ़ी शोर मचता है तो कह देते हैं कि अच्छा 3 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया. न्यायपालिका का गठन संविधान ने इसलिए किया कि पहली बात हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई. दूसरी बात, संविधान की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका को जो अधिकार संविधान में दिए हैं उनको उस दायरे में रखने की भी जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई. लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, रोज संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, चाहे ये जामिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, यूपी में, जहां देखिए, चाहे कश्मीर में, चाहे ये सीएए के द्वारा. लेकिन न्यायपालिका ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है और एक नया तरीका. देखिए, पहले तो जजों की स्वतंत्रता को या जजों को अपने चंगुल में रखने के लिए सरकारें पहले भी करती थीं, कोशिश करती थीं. वो इस तरह से कोशिश करती थीं कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी का लालच दे दो. कई बार अपने लोगों को ही अपॉइंट कर देती थी. ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन एक नया तरीका इस सरकार को मिला है. न्यायाधीशों को अपने कब्जे में करने का. और इनको पता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को अपने कब्जे में कर लिया सरकार ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, तब करीब करीब पूरी न्यायपालिका आपके कब्जे में आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, पहले तो वो ये तय करता है कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा. और यही बात 4 जजों ने 2 साल पहले, 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि मुख्य, उस समय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अपनी इस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार के हिसाब से इन केसों को खास जजों को दे रहे हैं जो पॉलिटिकली सेंसिटिव, जो राजनीतिक हिसाब से सेंसिटिव केसेस थे. सरकार के कहने पर
कन्वीनियंट जजेस को दे रहे हैं और उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, ये बात चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल पहले बोली। और वही सिलसिला हम देख रहे हैं उसके बाद भी चला आ रहा है। उसमें से एक जज बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन उनके समय भी वही होता रहा। और जो सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया है वो ये है कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कुछ पकड़ लो, जो उस समय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश थे उनके खिलाफ सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन किया एक मेडिकल कॉलेज के केस में, और उसमें उनको घेर लिया। उसमें काफ़ी सारे टेलीफोन के कॉन्वर्सेशंस मिले जिससे उनको शायद उनको दिखाए गए होंगे कि देखिए ये हमने पकड़ लिया है आपके खिलाफ। उसके बाद जो अगले आए उससे पहले जो थे उनके खिलाफ कलिको पुल जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने सुइसाइड नोट में लिख दिया कि इन्होंने हमसे पैसे घूस मांगी थी इनके बेटे ने। और वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो बड़ा संगीन मामला है, इसका तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सरकार ने बोला हम नहीं करेंगे। उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड के दोनों भाइयों को जो दोनों तीन पुलिस में थे तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। उस लेडी को तो खैर निकाल ही दिया गया। अब जब आप सरकार की मदद लेंगे ये सब करवाने के लिए तो फिर सरकार उसका पूरा फायदा उठाएगी। तो ये लोग कोई कमजोरी चीफ जस्टिस की पकड़ के उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ये एक नया तरीका हो गया है न्यायपालिका को अपने कब्जे में रखने का, जिससे कि जिसके बारे में चार जजों ने बोला था कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। यूनिवर्सिटीज का काम होता है शोध करना, सवाल पूछना, आगे सोच को बढ़ाना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज पर इतना बड़ा हमला हो रहा है कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज को तो बंद ही कर दो। ये लोग खुद कहते हैं सब शट डाउन जेएनयू, जो हिंदुस्तान की सबसे प्राथमिक यूनिवर्सिटी है उसको शट डाउन करने की बार बार मंत्री सरकार के मंत्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र पर ही नहीं हमारी पूरी सभ्यता पर हमला हो रहा है। एक तो सड़क पर गुंडों के गिरोह छोड़ दिए हैं। जेएनयू में जो गए नकाबपोश गुंडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सब आइडेंटिफाइड, नाम से आइडेंटिफाइड, पुलिस के संरक्षण में भेजे गए और वहां पर लोगों को मार पीट कर पुलिस के, उस समय पुलिस ने वहां की लाइट बंद कर दी पूरे सारे जेएनयू के अंदर बाहर सब जगह की, और फिर जब उनको बाहर निकाल दिया गया तब लाइट ऑन करी गई। और आज इतने दिन हो गए सब आइडेंटिफाइड हैं, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इस तरह के गुंडों की फौज एक सड़क पर छोड़ी है जो कि कभी गौ हत्या के नाम पर लोगों को आते हैं मारते हैं पीटते हैं, चाहे वो रोमियो स्क्वाड के नाम पर आते हैं मारते हैं पीटते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की के साथ अगर उसका प्रेम होता है संबंध होते हैं तो मारते हैं पीटते हैं। और एक दूसरी फौज इंटरनेट पर लिंच मॉब
इंटरनेट पर भी बना रखा है, सोशल मीडिया पर हजार लोगों को 50-50 हजार रुपए पगार देकर भाजपा ने बैठाया हुआ है, उनका आईटी सेल कहते हैं, और उनका काम यही है दिन रात, और उनको सारे इंस्ट्रक्शंस खुद प्रधानमंत्री देते हैं। एक स्वाति चतुर्वेदी एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी आई एम अ ट्रोल, उसमें पूरा उन्होंने बताया है कि कैसे ये आईटी सेल प्रधानमंत्री के कहने पर काम करती है। रोज सुबह प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज इसको गाली देनी है, आज ये झूठ फैलाना है, और वो फैलाया जाता है हजारों झूठ। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कि भाजपा के कम से कम इतने 12,000 या 22,000 झूठ फैलाने वाले ट्विटर पर अकाउंट बने हुए हैं, जो कि बकायदा रोज झूठ फैलाते हैं। तरह तरह की मतलब सांप्रदायिक झूठ, नफरत फैलाने के झूठ रोज फैलाए जाते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री और सरकार को क्वेश्चन करे तो उसके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां दो, मारने की धमकी दो, अगर महिला हो तो बलात्कार की धमकी दो। और वे पूरा एक जो मॉब है सोशल मीडिया का, लिंच मॉब, इसका पूरा संरक्षण प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस तरह का हमला हमारे मौलिक अधिकारों पर, हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारी सभ्यता पर आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं इस CAA, NPR, NRC के खिलाफ, जिस तरह से इस देश का युवा वर्ग, खासकर महिलाएं, इतनी खुशी होती है जब भी मैं जाता हूं ये देखकर कि युवा और महिलाएं आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जगह जगह, शहरों, सारे शहरों में, दिल्ली में तो 20-25 जगह रोज शाम को, रात को बैठे रहते हैं। अलग अलग लोग आकर बताते हैं उनको संविधान के बारे में और चीज़ों के बारे में, और वहाँ पर युवाओं का की पॉलिटिकल एजुकेशन संविधान के बारे में, भाईचारे के बारे में हो रही है। जो चीज़ ये लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दो, नफरत फैला दो, दंगे करवा दो, उसका बिल्कुल उल्टा काम ये सारी सभाओं में किया जा रहा है, और इस देश को, इसके लोकतंत्र को, इसके संविधान को और भाईचारा को बचाने का काम किया जा रहा है। और देखिए, इतना ज़बरदस्त आक्रमण इन लोगों के ऊपर, जामिया में पुलिस ने आकर मार दिया लोगों को बुरी तरह से, लाइब्रेरी में घुस घुस कर मारा स्टूडेंट्स को, हड्डियां तोड़ दी, गोलियां मार दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुंडों को घुसा दिया। अभी तो जामिया में एक आदमी को, मतलब पुलिस के संरक्षण में वो गोली चला रहा है सबके सामने, वो खुद कह रहा है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं मोदी का सपोर्टर हूं, मैं ये हूं वो हूं। और उससे दो दिन पहले इस देश के मंत्री जो आज बजट स्पीच दे रहे हैं, वो कहते हैं गोली मारो सालों को। आज तो अगर उनको स्पीच देनी होती, आज तो अच्छी बात है कि निर्मला सीतारमण स्पीच दे रही हैं, वो तो खैर यही कह रही हैं, जब इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की आत्महत्या चरम सीमा पर है, GDP का दर बेइंतहा गिर चुका है, सारे व्यापार ठप हो गए हैं, वो कह रही हैं नहीं जी सब चंगा सी, जैसे उनके
लीडर जो हैं मोदी जी कहते हैं वहां हाउडी मोदी में जाकर इंडिया में सब चंगा सी. अगर ये अनुराग ठाकुर को स्पीच देनी होती जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, उनकी स्पीच क्या होती? देश के बेरोजगारों को, देश के किसानों को, देश के व्यापारों को गोली मारो, ये कहते वो. ये हालत हो गई है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, और इतने प्रोवोकेशन के बाद भी देखिए, इतना प्रोवोकेशन किया जा रहा है, किसी तरह से दंगे करा दो, किसी तरह से दंगे करा दो, हर कोशिश. एक वो दविंदर सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का DSP, उसको दो भयानक आतंकवादियों के को लेकर उसको वो एस्कॉर्ट करके दिल्ली ला रहा था रिपब्लिक डे के पहले, भेजा गया एस्कॉर्ट करने के लिए. उसको अभी अभी प्रेसिडेंट्स मेडल दिया गया, सबसे बढ़िया बढ़िया जगह उसकी पोस्टिंग करी गई, पार्लियामेंट अटैक केस में भी वो इन्वॉल्व था. और वो एस्कॉर्ट करके, और जब उसको पकड़ा गया, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को तो पता नहीं था कि क्या गेम है, कौन ये गेम चला रहा है. जब उसको पकड़ा गया तो उसने बोला, सर ये गेम है, इस गेम को मत बिगाड़िए. इतने प्रोवोकेशन के बाद भी जितने लोग सड़कों पे उतरे हैं इसका विरोध, CAA, NRC, NPR का विरोध करने के लिए, एक ने भी हिंसा नहीं करी. सारी की सारी हिंसा, सारी की सारी हिंसा सरकार, उनके गुंडे और उनके पुलिस गुंडे, गुंडों के द्वारा करी गई है. कोई जना कहता है मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं हलफनामे पर लिख कर दे रहा हूं कि मैं यहां पैदा हुआ, 50 साल से यहां रह रहा हूं. और उसके कुछ नेबर्स, पड़ोसी लोग ऐसे ही हलफनामा दे देते हैं तो वो माना जाएगा, वो रिलेवेंट एविडेंस है, जब तक कोई उसको झूठा ना साबित कर दे. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तुमको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. और फिर ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जिस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए नागरिकता रजिस्टर में एज सच कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं हो सकती, सरकार नागरिकता का रजिस्टर बना सकती है. लेकिन जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से असम में बनाया गया कि पहले तो तुम प्रूफ करो कि तुम हिंदुस्तान के सिटीजन हो, दूसरी बात इन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा प्रूफ करो, अपना पूरा लीनिएज दिखाओ, लिंकेज दिखाओ दादा परदादा के साथ, और फिर इस तरह के फॉरेनर, और मतलब वो भी कोई अफसर के सामने प्रूफ करो, और अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो इस तरह के जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो एकदम बिल्कुल बकवास फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, वहाँ जाकर अपील करो. ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो बिल्कुल अमानवीय तरीका है. तो और फिर वो कहते हैं, तो अमित शाह ने बोला कि देखिए हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी लोगों को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नागरिकता रजिस्टर से छूट जाएंगे उनको हम नागरिकता CAA के द्वारा दे देंगे. क्योंकि इस कानून में इन्होंने ये लिख दिया कि जो लोग धार्मिक प्रताड़न से पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए हैं, 2014 के पहले आए हैं, और अगर वो इन 6 धर्मों के हैं, यानी कि मुसलमान धर्म उसमें नहीं लिखा, जो लोग कोई धर्म को फॉलो करते नहीं हैं उनका नाम नहीं लिखा, और भी धर्म हो सकते हैं उनके नाम नहीं लिखे उन धर्मों के, तो कहते हैं उनको हम नागरिकता दे सकते हैं. अब ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, जिनके नाम छूट जाएंगे हम उनको नागरिकता इसमें दे देंगे.
कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। जिनके नाम छूट जाएंगे वो तो वही लोग होंगे जिन्होंने पहले हलफनामा दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और इस कानून में नागरिकता लेने के लिए आपको बिल्कुल उसका उल्टा बकल हलफनामा देना होगा कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से शरणार्थी की तरह धार्मिक प्रताड़न के कारण आए हैं दिसंबर 2014 के पहले। यानी कि आपको परजुरी के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए अगर इस तरह की बात होती है। लेकिन फिर भी अमित शाह कह रहे हैं कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें से छूट जाएंगे उनको हम नागरिकता, जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। और ये कानून कई तरह से बिल्कुल गैर कानूनी है, देखिए गैर संवैधानिक है। पहली बात आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने तीन देश कैसे चुन लिए? श्रीलंका से भी रेफ्यूजी आए हुए हैं, म्यांमार से भी आए हुए हैं, अफगान वहाँ तिब्बत से भी आए हुए हैं, नेपाल से भी आए हुए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं? और सिर्फ धार्मिक प्रताड़न के कारण नहीं आते, बहुत सारे कारण होते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोसिक्यूशन होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है लोगों का। और दिसंबर 2014 का कैसे कट ऑफ, ये भी आर्बिट्ररी है। ये सब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है इन सब आधार पर इस कानून को। लेकिन असली प्रॉब्लम तो इस पूरे NRC NPR के प्रोसेस में है। वो प्रोसेस इतना गलत है, उसको भी हम लोग चैलेंज करेंगे। लेकिन देखिए आज तो जिस तरह की हालात, जिस तरह के संस्थान दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो फंक्शनिंग दिख रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी आशा की किरण है, जिससे हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स भी है और बेस्ट ऑफ टाइम्स भी है। और बेस्ट ऑफ टाइम्स इसलिए है, जिस तरह से आज युवक और महिलाएं खासकर इस देश की खड़े हुए हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए हैं, संविधान को और हमारे गणतंत्र को रिक्लेम कर रहे हैं, उसके मूल्यों को वापस स्थापित कर रहे हैं इस देश में, यही सबसे बड़ी आशा की किरण है। और अब जैसे कहते हैं ना कि द फाइट हैज़ बीन जॉइंट, The youth and the women in this country have now joined this fight against the fascists. जो हिटलर के जो followers हैं, जो इस देश को बांट के इस देश में सारी critical thinking ख़त्म करके इस देश के institutions को तबाह करके इस देश के पूरे republic को ही ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ युवकों ने और महिलाओं ने अब मोर्चा ले लिया है। इस देश के वासियों ने मोर्चा ले लिया है। और जब ऐसे मोर्चा लिया जाता है, जब फोर्सेस ऑफ गुड और फोर्सेस ऑफ ईविल के बीच में जब संघर्ष होता है, तब हर बार फोर्सेस ऑफ, इतिहास इसका गवाह है कि फोर्सेस ऑफ गुड ही जीतते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान में वही होगा। जय हिंद, जय भारत।